कलयुगी मां ने अपने दोनों बच्चों की कुल्हाड़ी से गला काटकर की हत्या। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के नगर परिषद देवरी में आनंदपुर वार्ड क्रमांक 4 में आदिवासी महिला राधिका ने अपने 2 वर्षीय बेटे देव उर्फ दीपक, 5 वर्षीय बेटी नैना का कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी। राधिका के ससुर आदिवासी ने बताया कि मेरा बेटा राहुल आदिवासी मजदूरी का काम करता है, वह सुबह घर से मजदूरी के लिए निकल गया और मैं भी काम पर घर से निकल गया था। घर सूना था, अचानक राधिका आदिवासी ने घटना को अंजाम दिया और दोनों बेटा बेटी की हत्या कर दी। राधिका आदिवासी घटना को अंजाम देकर भाग गई थी, लेकिन पुलिस ने इसे धर दबोचा। अब वो पुलिस की गिरफ्त में, पुलिस उससे मामले की पूछताछ कर रही है। रास्ता खाली करो भाई, रास्ता पकड़ लिया है, रास्ता खाली करो। इन लोग सर जी, हमारे घर का है, घर का निकालन जो नहीं पका रहे यार। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ फास्ट आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।